गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था बहुपद, और बहुपद के अंदर मैंने बताया था कि बहुपद के शून्यांक किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं, और शून्यांक के बाद उन शून्यांकों और गुणांकों के बीच में सत्यता की जाँच करना बताया था। अपना आगे का आज क्वेश्चन है चैप्टर 3.1 का द्विघात। बहुपद पढ़ा था आपने दो घात वाले समीकरणों का, और दो घात वाले समीकरणों में बताया था अपने पास उनका शून्यांक ज्ञात किया था सबसे पहले, फिर उनका शून्यांक तथा गुणांकों के बीच में सत्यता की जांचें की थी। तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच के लिए मैंने आपको दो चीज बताई थी, एक तो शून्यांकों का योगफल, दूसरा शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का योगफल क्या लिखाया था? शून्यांकों का योगफल, योगफल का मतलब है जोड़ करना। कोई दो शून्यांक याद किए थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था? माइनस बी अपॉन ए। दूसरा था शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या लिखा था? सी अपॉन ए। ए बी और सी ये मैंने क्या बताया था आपको, एक कोई द्विघात समीकरण थी उसका व्यापक रूप लिखा था आपने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर है 0। x स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है, x का गुणांक b कहलाता है, और c होता है वो क्या होता है? अचर पद। आज अपने पास चैप्टर 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन कर लिया था आपने, आज सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, क्या है सेकंड है? सेकेंड क्वेश्चन है अपना 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1। सबसे पहले इसका व्यापक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर है 0, और इसको भी इस समीकरण के रूप में आगे बराबर में 0। अब x स्क्वायर का गुणांक यहां पर a है और यहां पर क्या x स्क्वायर का मान है? 4 है गुणांक में, a का मान कितना हुआ? a बराबर 4, b बराबर कितना हो गया बेटा? यहाँ पर b x के साथ में b है, यहाँ पर x के साथ में क्या है? माइनस का 4, तो b बराबर माइनस का 4, और c बराबर है अचर पद, c होता है यहाँ पर अचर पद का मान क्या है? a, c का मान क्या है? a। तो ये तो आपके a b c के मान आ गए। ये कब जरूरत पड़ेगी? इनकी जरूरत पड़ेगी जब आप गुणांकों तथा शून्यांकों के बीच में सत्यता की जांच करते। सबसे पहले आपको ज्ञात क्या करना होगा? शून्यांक ज्ञात करना। तो अब यहां पर लिखोगे 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का शून्यांक ज्ञात करना। क्या है समीकरण? 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 बराबर क्या रखोगे? 0। अब यहां पर इसके फैक्टर करने गुणनखंड, गुणनखंड विधि, यहां पर गुणनखंड करने आना चाहिए। गुणनखंड का मतलब होता है बाह्य पदों का गुणा करके चेक करो। बाह्य पद इधर बाह्य है, बाहर की तरफ 4x स्क्वायर, इधर बाहर की तरफ क्या है? पूरे समीकरण देखने यहां पर बराबर वाले 0 के तन बन जाते हैं। एक एक को 4x स्क्वायर से गुणा किया, 1 गुणा 4x स्क्वायर बराबर कितना आया? 4x स्क्वायर, मतलब गुणा करने पर क्या आया? 4x। अब गुणनखंड करते हैं तो हमेशा बीच वाले पद के टुकड़े करते हैं, बीच में जो दिया गया है उसके इस प्रकार के दो टुकड़े करने हैं। कितने करने हैं? दो। इस प्रकार के दो टुकड़े करने कि उन टुकड़ों को आपस में क्या करें? गुणा करें, तब तो क्या है यहां पर इसका ये गुणनफल है उसके बराबर। अगर उनका जोड़ करें या फिर बाकी करें तब अपने पास जो संख्या वही रहनी चाहिए। तो देखो 4x के टुकड़े करते हैं, माइनस का 4x है उसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं कि माइनस को 2x और माइनस का 2x, माइनस के 4x हैं। अब ये कितने? ये भी इधर माइनस के 4x हैं, माइनस का 2x है या माइनस का 2x है, तो माइनस का कुल कितना है? माइनस का 4x। अब इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं बेटा, माइनस का 2x गुणा माइनस का 2x, माइनस माइनस गुणा करने से क्या बन जाता है? प्लस, और 2 को 2 से गुणा किया 4, x को x से गुणा किया 4x स्क्वायर। देखो बाह्य पदों का गुणनफल 4x स्क्वायर, बीच वाले पद के गुणा करें टुकड़े करने पर के पश्चात गुणा करें तभी उसका मान कितना रहे? 4x स्क्वायर। तो इसके फैक्टर क्या हो गए? 4x है, माइनस का 4x है, तो उसके स्थान पर क्या रख सकते हो? माइनस के 2x, माइनस के 2x। तो आप यहां पर रखोगे
चार एक्स स्क्वायर है वैसा का वैसा रहेगा यहाँ पर माइनस के, यहाँ पर क्या लग गया दो एक्स ए माइनस ए दो एक्स ए प्लस वन बराबर है जीरो। तो यहाँ पर इसके फैक्टर क्या हुए अपने माइनस चार एक्स के फैक्टर कर दिया आपने माइनस का दो एक्स ए प्लस वन। अब यहाँ पर इन दो में प्रथम दो में क्या कॉमन आ रहा आपका दो एक्स कॉमन आ रहा है, देखो चार एक्स में भी दो एक्स है और दो एक्स के साथ नहीं, तो इन दो में प्रथम दो में आपने कॉमन ले लिया दो एक्स बचा के आपके चार एक्स में क्या बच गया यहाँ पर दो एक्स, क्यों कि दो एक्स को दो एक्स से गुणा करोगे कितना हो जाएगा चार एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर ये तो कॉमन ले लिया तब यहाँ पर कोई संख्या तो बची है वो क्या है वन माइनस इधर है अपने पास, देखो इस प्रकार का फैक्टर बनाना है यहाँ पर एक कोष्टक में बनानी है संख्या, तो क्या बनाएंगे दो एक्स से माइनस का एक नहीं दो एक्स माइनस का एक, लेकिन यहाँ पर भी कुछ संख्या आएगी उसको इससे गुणा करेंगे तब अपने पास ये संख्या बननी चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पर माइनस का वन लेता हूँ, अब ये माइनस तो है माइनस का वन को इससे गुणा किया दो से दो एक्स से माइनस का दो एक्स बन रहा है, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस और एक को एक से गुणा किया तो अपने पास दो फैक्टर आ गए इसके क्या है एक तो दो एक्स माइनस वन दूसरा भी दो एक्स ए माइनस ए वन। तो x के कितने मान आ गए x के यहाँ पर दो मान निकलते हैं, देखो दो एक्स माइनस वन बराबर जीरो इधर भी दो एक्स माइनस वन बराबर है जीरो, तो x बराबर क्या आया वन को इस साइड में लेंगे किसका हो गया प्लस का और दो एक्स दो के साथ में x गुणा में भाग भी जाएगा बट्टी में आ जाएगा इधर भी एक बटे दो, तो x के दोनों मान क्या है एक बट्टे दो एक बट्टे दो। अब आपको क्या करना है आगे आगे इसमें करना है आपको गुणांकों तथा शून्यांकों के बीच सत्यता की जांच, तो यहां पर लिखोगे शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच के अंदर इधर तो अपने पास जो आपने मान निकाला है उनका योग करके देखो और उधर जो द्विघात का समीकरण का व्यापक रूप लिखा था उसमें a और b के मान है वो बट्टे में रख के देखो, चलिए इधर क्या है अल्फा प्लस पहला है शून्यांकों का योग कर, तो यहां पर लिखोगे शून्यांकों का योगफल योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस ए बीटा। अब आपके पास ये जो दो मान है इन्हें वो उनमें से एक को मान है अल्फा है दूसरा मान है बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है तो एक बट्टा दो प्लस एक बट्टा तो कितना है इसका मान दो एलसीएम आया एक प्लस एक बराबर दो बटे दो का मतलब मान कितना वन। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बी अपॉन ए, तो यहां पर बी अपॉन माइनस का बी अपॉन ए और करके देखो माइनस का बी बी का मान कितना माइनस का चार एक माइनस ये पहले से तो माइनस माइनस प्लस का चार ए का मान कितना बेटा चार चार में चार का भाग दिया एक, देखो इसका मान भी एक आया इसका मान भी एक आया। आगे है शून्यांकों का गुणनफल दूसरा है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा सी अपॉन ए ए अल्फा का मान भी एक बटा दो गुणा बीटा का मान भी एक बटा दो तो एक बटा दो एक बटा दो एक बटा चार बराबर इधर सी अपॉन सी का मान क्या है एक और ए का मान क्या है चार एक बटा चार एक बटा चार ये देखो दोनों माने बराबर है। सत्यता की जांच में ध्यान रखना है अल्फा प्लस बीटा का मान चेक करो जितना आता है उतना ही इस पार्ट का मान आपके पास है आना चाहिए माइनस बी अपॉन ए का मान बी और ए के मान आपको द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से देखने को मिलेंगे। तो ये अपना था इसे फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, आगे देखो भी सेम इसी प्रकार से सभी करने आपको आगे नेक्स्ट भी करा रहा हूं मैं, देखो कौन सा आपको डिफिकल्ट लगता है वो मैं बता रहा हूं। ये कर सकते हो आप चौथा देखो इसका चौथा पार्ट है x स्क्वायर माइनस पंद्रह
पहले लिखो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर है जीरो। एक्स स्क्वायर का गुणांक है इसमें क्या है एक लगा है साथ में एक से एक्स स्क्वायर गुणांक एक्स स्क्वायर नहीं कहता एक का मान कितना होगा एक। बी का मान बेटा इसमें है नहीं एक्स कहीं पर है तो बी का मान शून्य। सी का मान अचर पांच माइनस का पंद्रह सी का मान कितना है माइनस का पंद्रह। अब आपको आगे करना क्या है देखो सबसे पहले जो आपको द्विघात समीकरण है उसके शून्यांक ज्ञात करने तो यहां पर लिखोगे शून्यांक है ज्ञात करने पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस पंद्रह बराबर जीरो। एक्स स्क्वायर बराबर है पंद्रह को दूसरी साइड में लेंगे जीरो की तरफ माइनस का है उस साइड में जाते हैं किसका हो जाएगा प्लस का। एक्स बराबर अंडरूट प्लस माइनस लगा ना यहाँ पर बीजीय व्यंजक में या बीजीय गणित में हमेशा प्लस माइनस का ध्यान रखना है प्लस माइनस अंडरूट है। एक्स स्क्वायर है अंडरूट हटाया तो दूसरी तरफ क्या गया अपने पास वर्गमूल का चिन्ह लगा दिया प्लस माइनस का इसका मतलब क्या है एक्स के अपने पास दो मान आ गए तो प्लस का अंडरूट पंद्रह दूसरा माइनस का अंडरूट है ये एक्स के दो माने आ गए। अब आपको ज्ञात करना है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच सत्यता की जांच। पहला था शून्यांकों का योगफल क्या दिखाया था अल्फा प्लस बीटा। अब है अल्फा का मान तो प्लस का अंडरूट पंद्रह बीटा का मान माइनस का अंडरूट पंद्रह तो यहां पर लिखोगे प्लस का अंडरूट पंद्रह माइनस अंडरूट पंद्रह प्लस माइनस में से जीरो क्या कैंसिल होते देखो और इसके बराबर है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है माइनस बी अपॉन ए होता है तो ये तो आपने निकाल लिया इसका मान जीरो आ गया तो इसका मान और चेक करो क्या हो गया माइनस बी ए कौन है ए का मान चेक किया माइनस बी जी का मान जीरो ए का मान है ए माइनस ए जीरो बटा ए क्या बन गया। दूसरा शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा बीटा और अल्फा बीटा का मान है प्लस का अंडरूट पंद्रह गुणा माइनस का अंडरूट पंद्रह। देखो इनको आपस में गुणा करोगे अंडरूट से अंडरूट को गुणा किया अंडरूट हट गया बच गया पंद्रह और वो भी किसका बच गया माइनस का अंडरूट और अल्फा गुणा बीटा बराबर होता क्या सी अपॉन ए तो यहाँ पर इसका मान तो पंद्रह निकाल दिया आपने माइनस का बराबर सी का मान क्या है माइनस का बट्टा ए तो क्या बन गया माइनस का तो ये क्या हो गया अपना गुणांकों तथा शून्यांकों के बीच सत्यता की जांच। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके बोर्ड में पिछले सेशन में पूछा गया है तो इसको इस प्रकार से करना है सबसे पहले आपको गुणनखंड करने होंगे गुणनखंड करने के बाद में आपको उनका योगफल चेक करना और सत्यता की जांच करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में अब यहां पर बेटा आपको देखो करना क्या है
इसके फैक्टर कर लो पहले, प्रथम दो में क्या कॉमन आ रहा है, अंतिम दो में क्या कॉमन आ रहा है वो देखो। इसके गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है, गुणनखंड है ही नहीं पहले से ऑलरेडी। तो इनमें से x कॉमन ले लिया, x माइनस अंडरूट ए, माइनस का वन कॉमन ले लिया, x माइनस ए अंडरूट ए, तो x के मान आ गया x माइनस वन, दूसरा x माइनस अंडरूट ए तीन बराबर है जीरो, एक्स माइनस वन बराबर भी जीरो है और एक्स माइनस अंडरूट तीन बराबर भी क्या आपका जीरो है। तो एक्स का मान यहां से क्या आया वन और एक्स का मान यहां से क्या आया आपका प्लस का अंडरूट है तीन। तो एक्स के दो मान आ गए तो वन और अंडरूट है तीन, ये एक्स के दो मान आ गए। अब आपको याद करना है शून्यांकों तथा गुणांकों के पीछे संबंध की जांच या सत्यता की जांच। तो पहले सबसे पहले क्या होता है शून्यांक, या पहले आप लिखो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ये एक्स प्लस ए सी बराबर है जीरो। ए का मान अपने क्वेश्चन में क्या है वन है, कोई गुणांक नहीं है एक्स स्क्वायर का, तो कोई का मतलब क्या है एक्स का मान है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ कुछ होगा क्या होगा वो वन। एक्स का गुणांक क्या है माइनस का, सॉरी बी का गुणांक, बी का गुणांक माइनस और कोष्ठक के अंदर अंडरूट तीन प्लस वन है। सी का मान क्या है, सी का मान है अंडरूट है। अब आपको याद करना है इसमें पहले शून्यांकों तथा शून्यांकों का योगफल, योगफल होता क्या है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो इस तरफ से अल्फा प्लस बीटा का मान मतलब अल्फा का मान वन है, बीटा का मान है अंडरूट ए, तो वन प्लस अंडरूट ए तीन आया ये मान। अब बराबर में इतना ही आना चाहिए, तो माइनस का चिन्ह तो है, बी का मान क्या अपने पास माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और अंडरूट तीन प्लस है, तो ये क्या आ गया एक प्लस अंडरूट तीन बराबर अंडरूट तीन है प्लस है वन। ये तो अपने पास क्या आ गया शून्यांकों का योग। दूसरा शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का वो क्या होता है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या होता है माइनस सॉरी सी अपॉन ए, तो अल्फा इनटू बीटा, अल्फा का मान वन है बीटा का मान अंडरूट तीन, एक इनटू अंडरूट तीन बराबर है सी का मान क्या है, सी का मान अंडरूट तीन बटे वन, तो ये अंडरूट तीन बराबर क्या गया अंडरूट है, ये देखो दोनों मान क्या है आपके। तो इस प्रकार से शून्यांकों को ज्ञात करने हैं और शून्यांकों तथा गुणांकों के पीछे सत्यता की जांच करनी। तो ये पहला क्वेश्चन अपने इसका, ये लास्ट वाला आप निकाल सकते हैं इसका फैक्टर। आप देखो फैक्टर जरा जिसका नहीं आ रहा है उसके मैं बता रहा हूँ, इसके फैक्टर मतलब माइनस एक्स के दो टुकड़े करने हैं आपको। तो भाई ये पदों गुणा करने पर कितना आ रहा है, छह एक्स स्क्वायर को माइनस दो से गुणा किया माइनस का बारह एक्स स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो माइनस के चार एक्स प्लस के तीन एक्स, यहाँ पर इसके बीच में माइनस का चार एक्स प्लस का तीन एक्स, और इसमें भी क्या करोगे आप बारह एक्स स्क्वायर माइनस का है तो आप इस चार एक्स तीन एक्स। नेक्स्ट देखो सेकेंड क्वेश्चन इसका, तीन नंबर की प्रश्न माला आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लगभग तीन नंबर का, एक क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जाता है आपको बोर्ड के पेपर में। एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दिए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद याद कीजिए
दीजिए जिसके शून्यांकों के योग जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। पहला दिया इसमें -3, 2, दूसरा दिया बड़ा इसमें √2 1/3, तीसरा दिया है -1/4 1/4, चौथा दिया है 0 √5 -3 और पांचवा दिया है 4 1, छठा दिया आपको 1 और 1 1 और 1। तो ये ध्यान रखना है। अब एक द्विघात बहुपद बनाना है। अब आप हमेशा ध्यान रखो द्विघात बहुपद निम्न प्रकार से बनाते हैं। यहां पर लिखोगे जब वे शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल दिया गया हो तब द्विघात बहुपद निम्न प्रकार से बनाते हैं। ये लाइन ध्यान रखिए आप। यहां पर लिखोगे एफ एक्स बराबर, यहां पर लिखोगे के, यहां पर क्या लिखना आपको के लिखना। के और कोष्टक, यहां पर लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस और यहां पर लिखोगे शून्यांकों का योगफल गुणा एक्स माइनस ए प्लस है शून्यांकों का गुणनफल। इतना ही आपको एक समीकरण बनाते हैं। अब अपने पास देखो क्या होता है इसमें, जब आपको किसी द्विघात कोई बहुपद ज्ञात करना, मतलब एक दो घात का समीकरण ज्ञात करना है, यहां पर एक चीज और लिखी है के, के यहां पर बेटा है के स्थिरांक, मतलब एक स्थिर राशि स्थिरांक। जब आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और उसके शून्यांकों का योग और गुणनफल दे दिया, तब आप इस सूत्र की सहायता से उसे समीकरण को ज्ञात करें। देखो किस प्रकार से एफ एक्स, यहां पर एफ है एक्स है एफ एक्स, k का मान k रखेंगे, कोष्टक x स्क्वायर के स्थान पर x स्क्वायर, इतना काम है आपको करना ही है। माइनस यहां पर शून्यांकों का योगफल, अब वो शून्यांकों का योगफल है और गुणनफल क्रम से दिया गया अपने को, मतलब जो ये पहला मान है वो तो योगफल है सभी के अंदर, पहला मान वो तो योगफल का मान है। तो योगफल का मान कितना है, माइनस का 3 है, तो पहले यहां पर पहले से माइनस है और कोष्ट में लिख दिया माइनस का 3 और बाहर क्या बेटा एक्स, प्लस शून्यांकों का गुणनफल है, शून्यांकों का गुणनफल जो सेकंड मान दिया गया ना आपको वो क्या है गुणा शून्यांकों का गुणनफल है, उसका मान कितना है 2। अब आप इसको सरल कर लो, के तो बाहर है कोष्ट एक्स स्क्वायर माइनस माइनस गुणा किया प्लस 3x और प्लस है, ये क्या बन गई द्विघात बहुपद, बाहर क्या है एफ एक्स में और यहां पर के और आ गया, तो यहां लास्ट में ध्यान रखना है। देखो दो घात का समीकरण बन गया, एक्स की अधिकतम घात होगा, दो घात का एक समीकरण बन गया, एक बहुपद बन गया। अब यहां पर एक के और दे दिया, तो के को लास्ट में ये लिखना है के यहां स्थिरांक
स्थिरांक है, k का मान क्या है यहाँ स्थिरांक। कई बार k का मान भी होता है, जैसे आगे वाला क्वेश्चन और करके देखते हैं। तो सभी जो भी क्वेश्चन है उसमें इसी प्रकार से मान रखना, जैसे पहला तो कर दिया आप सेकंड, इसका सेकंड देखो, सेकंड में क्या है एफ एक्स के स्थान पर एफ एक्स आएगा, के स्थान पर के, एक्स स्क्वायर के स्थान पर एक्स स्क्वायर, माइनस के स्थान पर माइनस। शून्यांकों का योगफल का मान कितना है रूट दो, तो यहाँ पर ये माइनस का नहीं सॉरी प्लस का रूट दो बाहर एक्स है, प्लस एक बट्टा तीन, ये अपने पास इसको सोल्व किया के एक्स स्क्वायर माइनस से, देखो अंडरूट दो को एक्स से गुणा किया, अंडरूट दो एक्स माइनस का चिन्ह माइनस से रहेगा, प्लस एक बट्टा तीन। अब यहाँ पर इसके एलसीएम भी ले सकते हो, तो एलसीएम क्या आया बाहर तो के है, के का के रह गया, इसका एलसीएम पूरे का आया तीन, तो देखो ये कहीं से एक है, ये कहीं से अभी बटा में एक है, एक को भाग तीन में तीन बार गया, तीन एक्स स्क्वायर गुणा किया तीन एक्स स्क्वायर माइनस का तीन अंडरूट दो एक्स प्लस एक। अब ये तीन यहाँ पर है तो इसको मैं यहाँ पर भी लिख दूं, क्योंकि कोष्टक है, कोष्टक है तो बाहर है बट्टे में तीन आ गया, मतलब ये सभी के साथ ही गुणा है, ठीक है। अब यहाँ पर है देखो ये द्विघात समीकरण बनेगी, ये भी सही है आपका, यहाँ तक करोगे तब भी सही है, आगे करोगे तब अपने पास ये पार्ट अलग आ गया के बट्टा तीन, के बट्टा तीन, तो यहाँ पर लिखोगे के बट्टा तीन एक स्थिरांक। इतना ही काम करना है, सभी क्वेश्चन के अंदर बना यही काम है करना है। तो इस प्रकार के कोई भी द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो जब उसके शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया गया हो तो निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हो, जिसके चारों पार्ट यहाँ पे चार हो रहे वो करके देखना, यहाँ पर शून्यांकों का योग जीरो है तो मतलब जीरो एक्स हो जाएगा सीधा, ये पार्ट और ये पार्ट हो जाएगा, लेकिन द्विघात समीकरण बनेंगे, ये द्विघात के बहुपद बन जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी कई बार पूछ देते हैं, तो इनके जो चार हैं वो आप स्वयं करना, जो नहीं है वो मुझे बता देना, मैं खुद बता दूंगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो नेक्स्ट देख रहेगा। थैंक यू।